तो हाय दोस्तों, चलिए फिर से नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में दोस्तों बताएंगे कि एक ट्रिमर मशीन जो होता है, जो एक हाथ से ट्रिमर मशीन चलता है, उसको कैसे यूज करते हैं और कैसे पूरा उसका जो भी उसके साथ उसका सब कुछ आता है वो कैसे यूज करते हैं। 026 ये मॉडल नंबर है, इसमें पूरा इसका देखिए ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन दिया है, तो आप इसमें देख सकते हैं कौन सा पार्ट कहाँ यूज हो रहा है, पूरे बुक में आप देख सकते हैं। देखिए ये पूरा बताया हुआ कौन सा क्या यूज में है, किस यूज के लिए है, कौन सा क्या लगेगा, सब इसमें बताया हुआ है। देखिए ये पूरी जानकारी दी है कि क्या किस क्या कौन सा क्या है, नंबरिंग वाइज है, पूरा उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये भी जान सकते हैं किसको क्या बोलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। देखिए ये हमारा एक ट्रिमर मशीन है, देखिए ये नई भी मशीन है, हम पहली बार इसको यूज करने भी जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ कंपनी लिखा है, डेंगचोंग कंपनी का है ये, जो कि मेड इन चाइना है, फिर भी ये काफ़ी हद तक ठीक है, जो कि ये अपना 350 वाट का है, 350 वाट का है और 30,000 इसकी आरपीएम है, 30,000 आरपीएम है, तो काफ़ी अच्छा है, छोटे मशीन के लिए काफ़ी अच्छा आरपीएम है। देखिए इसकी, और ये इसका बॉटम है, ये भी इसके साथ में अटैचमेंट है इसका, और इसका ये भी अटैचमेंट है, ये गेज प्लेट है, और इसमें इस प्लास्टिक में देखिए हमारा दो चाबी हैं, और एक कार्बन है। पूरा बताते हैं मशीन की क्वालिटी की बात करें तो इसमें हैवी ड्यूटी का वायर भी दिया है, जो कि 2.5 मीटर का पूरा आपका वायर मिलेगा। और देखिए यहाँ से इसको ऑपरेट करने के लिए एक आपको, जिसको हम लोग प्लेट बोलते हैं, ये प्लास्टिक का प्लेट है, इसको ऑपरेट करना है तो हम देखिए यहाँ से इसको लूज करेंगे और ऐसे, और जब इसको अपना चाहेंगे तो ऐसे देखिए ये निकलता चला जाएगा, आप ऐसे करके इसको पूरा निकाल सकते हैं। अगर आपको बिट लगाना हो तो आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपको जब डालना है तो आप ऐसे करके लाकर यहाँ से इस चाबी को आप छोड़ देंगे तो ये पूरा कसा जाएगा। पूरा सब बताऊंगा कैसे, कहाँ कौन सी ये अटैचमेंट कहाँ पर इसका यूज होने वाला, सब बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए। अटैचमेंट की बात करें तो ये इसका अटैचमेंट है और ये भी एक अटैचमेंट है, तो इसको लगाने के लिए देखिए कैसे लगता है। पहले हम इसको ये जो होता है इसको हम टाइट है तो इसको हम लूज कर लेंगे, देखिए ऐसे ये लूज हो गया। उसके बाद नीचे से हम इसको ऐसे लगा लेंगे, ये नीचे से ऐसे लग जाएगा और ऐसे लगा कर इसको आप टाइट कर देंगे। इसको लगा कर आप टाइट कर दें। अब ये कहाँ पर फिट होता है इसको लगाने के लिए, देखिए इस बोल्ट को खोलना पड़ता है, जो ये बोल्ट होता है इसको खोलना पड़ेगा, और इसमें देखिए दो होल दिए रहते हैं, आपको नज़दीक में लगाना है तो इस वाले में करिए, नहीं तो इस वाले में करिए, आप इसको इसमें फिट कर सकते हैं, आपको जहाँ दोनों में चाहिए दोनों में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे ऐसे, तब ये बोल्ट हमारा ऊपर से लगेगा, ध्यान रखिए ये बोल्ट हमारा ऊपर से ऐसे बैठ गया, फिर आप नीचे से इसको टाइट कर दीजिए जितना आपको चाहिए, इतना टाइट करिए। अब लूज कर रहे हैं, आप लूज करके इसको आगे पीछे देखिए खड़का सकते हैं आप, यहाँ तक आपका पूरा ये रहता है, यहीं पे आकर रुक जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना ही आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इतने पर, जैसे आप इसको टाइट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमारा ये देखिए गेज इतना पर हम चाहेंगे तो आप झड़ी मार सकते हैं। देखिए इसी प्लेट के सहारे ये हमारी मशीन चलती रहेगी। अब आपको लगे कि इस प्लाई के 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची में हमको सेंटर में होल करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसी की मदद से हम अपना 15 इंची तक का राउंड भी काट सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पेच कस के आपको अगर राउंड काटना है तो राउंड भी काट सकते हैं। आपको राउंड वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, कमेंट में बताएंगे कैसे राउंड कटिंग होती है। और दूसरी इसका अटैचमेंट की बात करें तो इसको खोल कर निकाल लेते हैं,
बहुत ज्यादा टाइट हो जाता। निकल गया जैसे, अब इसको लगाना हमको है तो हम इसको इसको लूज कर लीजिए जिससे आपका ये प्रॉपर अटैचमेंट बैठ सके। देखिए अटैचमेंट के लिए देखिए यहाँ पे घाट बना रहता है, ये घाट बना रहता है उसी में ये बैठ जाता है जाकर। तो आप वाशर को नीचे कर लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से अटैचमेंट को बैठा लीजिए। आपको जितना चाहिए इतना चाहिए तो हम इतना कर सकते हैं। अगर प्लाई आ रही है चलिए देखिए एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से इसको लूज कर लीजिए नीचे से, नीचे से लूज करके आप इसको जब देखिए नीचे से लूज करके ये बोल्ट हमारा ऊपर से लगेगा। ध्यान रखिए ये बोल्ट हमारा ऊपर से ऐसे बैठ गया, फिर आप नीचे से इसको टाइट कर दीजिए जितना आपको चाहिए इतना टाइट करिए। अब लूज कर रहे हैं आप, लूज करके इसको आगे पीछे देखिए खड़का सकते हैं आप। यहाँ तक आपका पूरा ये रहता है, यहीं पर आकर रुक जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना ही आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इतने पे जैसे आप इसको टाइट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमारा ये देखिए गेज इतना पर हम चाहेंगे तो आप झरी मारना झरी मार सकते हैं। देखिए इसी प्लेट के सहारे ये हमारी मशीन चलती रहेगी। अब आपको लगे कि इस प्लाई के एक इंची डेढ़ इंची दो इंची में हमको सेंटर में होल करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसी की मदद से हम अपना 15 इंची तक अराउंड भी काट सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पेच कस के आपको अगर राउंड काटना है तो राउंड भी काट सकते हैं। आपको राउंड वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, कमेंट में बताएंगे कैसे राउंड कटिंग होती है। और दूसरी इसका अटैचमेंट की बात करें तो इसको खोल कर निकाल लेते हैं। टाइट हो जाता निकल गया जैसे, अब इसको लगाना हमको है तो हम इसको लूज कर लीजिए जिससे आपका ये प्रॉपर अटैचमेंट बैठ सके। देखिए अटैचमेंट के लिए देखिए यहाँ पे घाट बना रहता है, ये घाट बना रहता है उसी में ये बैठ जाता है जाकर। तो आप वाशर को नीचे कर लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से अटैचमेंट को बैठा लीजिए। आपको जितना चाहिए इतना चाहिए तो हम इतना कर सकते हैं। अगर प्लाई आ रही चलिए देखिए एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से इसको लूज कर लीजिए नीचे से, नीचे से लूज करके आप इसको जब देखिए नीचे से लूज करके जब अपने थल को देखिए हम लगाएंगे इस पर तो हमारा 4 mm होल करेगा। 4 mm ऐसे चलता चल चलेगा, 4 mm का होल करेगा। और बाकी एक्सेसरीज हम इसकी बता रहे हैं, जैसे ये थल, ये जो थल इसका है देखिए जो इसका काम होता है, इस वाले थल को काम होता है पहले आप इसमें लगा लीजिए। तो इस बोल्ट को थोड़ा टाइट है तो लूज कर लीजिए, लूज करने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे लगा कर आप इसको कस लीजिए, टाइट से अच्छे से कस लीजिए। उसके बाद देखिए इसका प्लेट है, आपको लगे कि हमको बहुत ज़्यादा बड़ा काटना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते, ना ऐसे ना चाहिए, ऐसे ना चाहिए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। लगे कि आपको बड़ा काटना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप गेज में जितना चाहिए उतना निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसे लगा कर आपके पास एक जैसे नट बोल्ट है, इसको आप टाइट कर लीजिए। आप जितना चाहते हैं तो उतना आप इसको कम बेसी कर सकते। देखिए
ये कम बेसी भी हो जाएगा, आपको जितना आप चाहिए। उसके बाद देखिए आपका ये गड़गड़ा, ये बोल्ट हमारा ऊपर से लगेगा, ध्यान रखिए ये बोल्ट हमारा ऊपर से ऐसे बैठ गया। फिर आप नीचे से इसको टाइट कर दीजिए जितना आपको चाहिए, इतना टाइट करिए। अब लूज कर रहे हैं आप, लूज करके इसको आगे पीछे देखिए खड़का सकते हैं आप, यहाँ तक आपका पूरा ये रहता है, यहीं पे आकर रुक जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना ही आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इतने पे, जैसे आप इसको टाइट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमारा ये देखिए गेज, इतना पर हम चाहेंगे तो आप झरी मारना झरी मार सकते हैं। देखिए इसी प्लेट के सहारे ये हमारी मशीन चलती रहेगी। अब आपको लगे कि सप्लाई के एक इंची डेढ़ इंची दो इंची में हमको सेंटर में होल करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसी की मदद से हम अपना 15 इंची तक का राउंड भी काट सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पेच कस के आपको अगर राउंड काटना है तो राउंड भी काट सकते हैं। आपको राउंड वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, कमेंट में बताएंगे कैसे राउंड कटिंग होती है। दूसरी इसका अटैचमेंट की बात करें तो इसको खोल कर निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता। निकल गया जैसे, अब इसको लगाना हमको है तो हम इसको लूज कर लीजिए जिससे आपका ये प्रॉपर अटैचमेंट बैठ सके। देखिए अटैचमेंट के लिए देखिए यहाँ पे घाट बना रहता है, ये घाट बना रहता है उसी में ये बैठ जाता है जाकर। तो आप वाशर को नीचे कर लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से अटैचमेंट को बैठा लीजिए। आपको जितना चाहिए इतना चाहिए तो हम इतना कर सकते हैं। अगर प्लाई आ रही चलिए देखिए एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से इसको लूज कर लीजिए नीचे से, नीचे से लूज करके आप इसको जब देखिए नीचे से लूज करके